बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अफ्ताब नासर। जी डिस्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ़ ए बी सी तीन सेट दिए गए हैं, वेरीफाई दैट ए यूनियन इन टू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इन टू यूनियन सी। तो इनको हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ठीक है, ए बी सी सेट जो है वो इसमें पुट कर देते हैं। तो ए हमारे पास क्या है जी, 2, 4, 6 यूनियन बी हमारे पास क्या है, 3, 6, 9, 12 यूनियन सी हमारे पास क्या है, 4, 6, 8, 10। ठीक हो गया। अब इनका यूनियन करते हैं। तो यूनियन हम इन तीनों में सबसे पहले किन दो का करेंगे, जिनकी डबल ब्रैकेट होगी। तो 2, 4, 6 यूनियन। अब इन दोनों का हम यूनियन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इनकी डबल ब्रैकेट है। तो यहाँ पर 3 यूनियन से मुराद होता है कि दो सेट्स का यूनियन से मुराद ये है कि उन दो सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम एक सेट के अंदर लिख लें तरतीब के साथ, और उनमें रिपीटेड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 से स्टार्ट है, ये 4 से स्टार्ट होता है। तो हम 3 लिखेंगे पहले, 3 से नेक्स्ट 4 होता है, फिर 6, 8, 9, 10, 12। इन दोनों का यूनियन करते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये दो सेट्स का यूनियन से मुराद हम तरतीब से लिखेंगे एक सेट में। तो ये 2 से स्टार्ट होता है, ये 3 से स्टार्ट होता है। तो पहले हम लिखेंगे 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक हो गया। अब हम इसकी सॉल्व करते हैं जी, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इसकी लिखते हैं, वो क्या है, राइट हैंड साइड है जी, ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी ए, ए क्या है हमारे पास, 2, 4, 6 यूनियन बी हमारे पास क्या है, 3, 6, 9, 12 यूनियन सी। सी हमारे पास क्या है, 4, 6, 8, 10। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूनियन लेंगे इन दो का, क्योंकि ये डबल ब्रैकेट है इनकी। तो हम लिखेंगे, इधर भी 2 है, इधर 3 है, स्टार्ट हो रहा है। तो हम लिखेंगे 2, 3, 4 यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिख रहे थे, रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते। 6, 9, 12 यूनियन 4, 6, 8, 10 ये आ गया। नेक्स्ट इन दोनों का यूनियन करते हैं। यूनियन से मुराद इन सबको तरतीब में लिख लें सारे के सारे एलिमेंट्स। तो ये 2, 3, 4, 6, 9, 8, 9, 10 और 12। तो यहाँ पर देखें, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो मैं इधर कह सकता हूँ सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर यही हमने साबित करना था। हैंस प्रूव्ड।